बबली पेट से थी, ये क्या बोल रही हैं आप मैडम? बबली ने आप लोगों को कभी बताया नहीं जब वो आपके घर पे थी? नहीं मैडम। प्रेगनेंसी को 6 से 8 हफ्ते हो चुके थे, गोलियों से गर्भ गिराया गया। नहीं साहब, न प्रेम ने हमें बताया न बबली ने। बबली ने आप लोगों को नहीं बताया, अपने माँ बाप को नहीं बताया, ये कैसे मुमकिन है जय कुमार? लेकिन बबली खुद अपना बच्चा क्यों गिराती? ऐसी भी क्या मजबूरी आन पड़ी होगी उसकी? आप पे ऐसी कौन सी मजबूरी आन पड़ी थी? जो आप भी ठीक वही बात बोल रहे हैं जो आपका बेटा प्रेम बोल रहा है। ये हो ही नहीं सकता, वो हमें छोटी से छोटी बात बताती थी, हमें पूरा यकीन है। हमें भी पूरा यकीन है कि बबली तुम सबसे इतनी बड़ी बात भी नहीं छुपाती। मतलब जब बबली हमसे आखिरी बार जेल में मिलने आई थी तब वो महीने भर पेट से थी, ये कह रहे हैं आप लोग? पोस्टमार्टम ये कह रहा है। तो उसने हमसे ये क्यों नहीं कहा? तुम किसी बात की फिक्र मत करो, तुम हमारे घर में बिल्कुल सुरक्षित हो। तुम्हारे बिना हमें वहां अजीब लगता है प्रेम। मम्मी पापा कुछ बोले? मीना ताना मारी है तुमको? वो तुमने ऐसा क्यों किया? अरे जो हुआ गर्मा गर्मी में हो गया यार, वो सब छोड़ो, तुम आराम से हमारे माँ बाप के घर, बहुत जल्द हमारी जमानत होगी और हम अपना घर फिर बसाएंगे। तुम्हारे बिना बहुत अकेला अकेला महसूस होता है। तो हमारा क्या हाल होता है? जरा सोचो, हम और बबली मिलकर अपने बच्चे के सपने देख रहे थे साहब, वो हमसे ये बात छुपाएगी ये तो मैं मान ही नहीं सकता, और वो अपना बच्चा खुद गिराएगी ये तो हो ही नहीं सकता। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये पता नहीं चला है कि बबली ने खुद बच्चा गिराया है या फिर धोखे में रखकर उसका बच्चा गिराया गया, लेकिन इसमें दो राय नहीं है कि कोई तो ऐसा था जो नहीं चाहता था कि बबली अपने बच्चे को दुनिया में लाए, और ना ही ये चाहता था कि बबली दुनिया में रहे। कौन है वो सर? बबली की दुनिया में एक ही ऐसा शख्स है जो ऐसा कर सकता है, जिसका हिंसा का इतिहास रहा है। आप कह रहे हैं हमने बबली को मरवाया है? बबली जान थी हमारी सर, और हम खुद ही अपनी जान ले लेंगे, इतना भद्दा इल्जाम मत लगाइए आप हम पर सर। दवाइयों से बच्चा गिराया गया, गुलालखेड़ा और सिवरिया में कितनी दवाइयों की दुकान होंगी? कोई 5-6? सबको खंगालो। लेकिन मैडम दवाई तो बिना पर्ची की ली गई होगी, ऐसे में मेडिकल वाले सामने से थोड़ी ना बोलेंगे। क्या हुआ होगा क्या नहीं ये बात की बात है, पहले सारे मेडिकल वालों को खंगालो। क्या पता बबली खुद गई हो दवाई खरीदने, लड़की काफी जिद्दी थी। बबली हमारी भाभी थी, वो हमारे प्रेम भैया की जिंदगी थी। अरे हिम्मत है किसी की, कोई हमारी बबली भाभी को मारने की सोचे भी? तो फिर किसने किया? क्या तुम तीनों शामिल थे बबली के मर्डर में? किसके इशारे पर किया, अपने प्रेम भाई के या फिर माजरा कुछ और ही है? हम प्रेम भाई के साथ सालों से हैं, जब प्रेम भाई अंदर हुए तो प्रेम भाई ने हम ही से कहा था कि बबली भाभी का ख्याल रखने के लिए। अच्छा ख्याल रखा तुम लोगों ने। हमें भनक तक नहीं थी साहब कि बबली भाभी की जान को खतरा है। सीधे सीधे बताओ, प्रेम के अंदर जाने का कौन इंतजार कर रहा था, किसने बबली का बच्चा गिराया, बबली की जान किसने ली? अगर हम लोग को पता होता तो टिकट नहीं कटवा देते उस साले का। 14 सितंबर की रात को बबली का कत्ल हुआ, 14 सितंबर के दिन वो कहाँ थी, 13 सितंबर को कहाँ थी, 12 सितंबर को कहाँ थी? प्रेम के घर सेवरिया में या अपने माँ बाप के घर गुलालखेड़ा में? साहब हमको सिर्फ इतना मालूम है कि जब प्रेम भैया अंदर हुए तो राजकुमार बबली भाभी को उनके पापा के घर सेवरिया छोड़ाया था रहने। प्रेम के बाप जयकुमार का कहना है कि बबली अपने बाप रघु के साथ अपने घर लौट गई थी, उसके बाद वापस नहीं लौटी। बबली के बाप का कहना है कि बबली कत्ल से 2 हफ्ते पहले प्रेम के घर वापस लौट गई थी। कौन झूठ बोल रहा है? हमें नहीं मालूम साहब कब बबली भाभी अपने माँ बाप के घर गई और कब प्रेम भाई के घर वापस लौट आई, हम तो प्रेम भैया के बाकी कामों में लगे हुए थे। साहब हमने हमारी घरवाली से और बहू मीना दोनों से पूछा कि बबली पेट से थी या नहीं। हद कर रहे हैं आप, अगर हमको मालूम होता बबली पेट से थी तो हम ये बात आपसे काहे छुपाते और फिर उसके माँ बाप को नहीं बताते का? कुसुम एक बार मीना से पूछ लो। पूछ लिया जी, मीना को भी बबली ने कुछ नहीं बताया था। बबली हमारे घर वापस आई नहीं थी, काफी हंगामा किया था बबली के बाप रघुनाथ ने और चाचा सुरेश पांडे ने हमारे घर आकर, जब उन्हें पता चला कि प्रेम जेल में है और बबली हमारे यहाँ, पर हम नहीं चाहते थे कि बबली को उनके साथ भेजें। क्यों? क्योंकि अगर बबली को जाने देते तो पता नहीं प्रेम हमारे साथ क्या करता। ये वर्दी पहनकर तुम्हें एक बार भी नहीं लगा कि प्रेम एक गुंडा है, उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए तुम्हें? वो बचपन से ही ऐसा है। बचपन मोम होता है, ढाला जा सकता है। किसी क्रिमिनल पर इतना हाथ साफ नहीं किया साहब जितना प्रेम पर की है बचपन में, शादी भी करा दी उसकी, ये सोच करके कि जिम्मेदारी आएगी तो सुधरेगा, पर मीना से उसे कभी नहीं पटी और फिर बबली आई, तब हमें लगा साहब कि हमने एक निर्दोष लड़की की जिंदगी खराब कर दी। और ये प्रेम बबली से भी उब गया? नहीं सर, उबने का तो सवाल ही नहीं है सर, हम दोनों खुश थे एक दूसरे के साथ, हमने सारे काम गलत करे जिंदगी में लेकिन एक ही काम सही करा, वो है बबली से प्यार, और इसी प्यार से हमें हिम्मत मिल रही थी कि हम सही रास्ते पर आ जाए।
आ जाओ, वेलकम। जैसा तुम्हारा मन करे वैसा सजा दो, अपना समझ कर। हाँ, अपने समझो। राजकुमार भैया, आप वाकई हमारी तरफ से है ना? हमारे पापा की तरफ से तो नहीं हो जाएंगे? हट पगली, इतना सब कुछ कर रहे हैं तुम्हारे लिए, तो हमें भी सब करो। अरे ये कुछ नहीं करेगा। और रही बात तुम्हारे घर वालों की, अगर वो कुछ करने की कोशिश भी करेंगे ना तो कुछ नहीं कर पाएंगे, तुम टेंशन मत लो। अब चलो, चल के दरवाजा लगा लो। और हाँ, टाइम पर सो जाना, हमें ज्यादा मिस मत करना। हाँ, मत जाओ ना। अरे हम कल फिर लौटेंगे। हमारा जी घबराता है, तुम हमसे उब गए तो बिना के हो जाओगे। जिसके हम कभी थे ही नहीं, हम उसके कैसे हो सकते? हम सिर्फ तुम्हारे। हमने तो बगावत कर दी अपने घर वालों से, पूरी दुनिया से। अब तुम्हारी बारी है, शादी कर लो हमसे, वरना तब तक हमें अधूरा अधूरा लगेगा। और हमें तो तुम पूरे चाहिए, पूरे के पूरे। मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय विद्वनोहरे। प्रेम भैया, तीन चार फायर कर देंगे हवा में। बहुत मन हो रहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा मत कहो बबली, हम ऐसे बन ही नहीं सकते। अगर हम घास खाएंगे तो शेर कैसे कहलाएंगे? शेर पसीना बहाने से होता है, और तुम्हें हमारे प्यार का वास्ता है। आज के बाद ना तुम किसी को धमकाओगे, ना किसी की टांगे तोड़ोगे, और हाँ, बंदूक को तो बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाओगे। देखो बबली, हम तुमसे बहुत प्यार करते, पर इस प्यार को ना हमारे काम के बीच में मत लाओ। तुम हमसे हमारी पहचान छीन रही हो। आज से तुम हमारी पहचान हो, और हम नहीं चाहते कि कोई हमें गुंडे की पत्नी कहे, और कल हमारे बच्चे को गुंडे का बच्चा। अरे किसी की औकात, और जो हमें गुंडा कहते हैं ना, वो खुद हमारे पीछे थर थर कांपते हैं। और हम चाहते हैं कि जो लोग पीठ पीछे बोल रहे हैं वही सामने बोले, डर कर नहीं, प्यार से, इज्जत से। रातों रात कौन बदलता है सर, चांद भी 15 दिन लेता है। और अगर बदल भी जाते तो हम क्या करते? कोई और काम तो हमें आता नहीं है। हम बबली से सहमत नहीं थे, लेकिन फिर भी उसके प्यार के कारण हम बदले। बड़ी मारपीट वाले काम तो हमने छोड़ ही दिए थे, लेकिन लेकिन साला ये एक काम, ये एक काम पूरा काम तमाम कर गया सर। प्रेम भाई, हमारे पापा ना अपना जमीन 50-50 कर गए, हमारे भाई मुकेश और हमारे बीच में। हाँ, और मुकेश की जमीन हाईवे से लगी हुई है और सोने की खदान है, और तुम्हारी जमीन पे कोई कब्जा भी नहीं करता। आपको तो सब पता है, हम अपना जमीन उसको दे देंगे और थोड़ा ज्यादा भी दे देंगे। आप हमको हाईवे वाला जमीन दिलवा दो ना। तुम बहुत कुछ किया हमारे लिए, वो जमीन तुम्हारी होगी, जबान है हमारी। प्रेम भैया, ये हम दोनों भाइयों के आपस का मामला है, कृपया आप बीच में ना पड़े। मुकेश राजकुमार तुमसे ज्यादा हमारा भाई है, आप हमारी जमीन हड़प लेना चाहते हैं, ये तो नाइंसाफी हुई ना। जितनी जमीन हम तुमसे ले रहे हैं ना, उससे थोड़ी ज्यादा जमीन राजकुमार के हिस्से में से तुमको दे दे। प्रेम भाई, हम दोनों भाइयों को बराबर के हिस्से की जमीन मिली, और अब अगर हमारी जमीन की कीमत बढ़ गई तो उसकी नियत बिगड़ गई। आप और आपकी ये बंदूक के दम पर हमारी जमीन हमसे हड़प लेना चाहता है। अगर ये बंदूक चल गई ना यहाँ, ठीक है, तो ना तुम रहोगे ना फसाद रहेगा। अपने भाई को जमीन दे रहे हो, खुशी खुशी दे दो, दुआ भी मिलेगी और जिंदा भी रह जाओगे। अब चलो, चल के दस्तखत कर दो। वो क्या है ना, हम राजकुमार को जबान दे चुके हैं, लेकिन मुकेश समझा नहीं, वो पुलिस के पास गया और हम जेल चले गए, और हमारे जेल जाने के बाद बबली का कत्ल हो गया, और अब आप कह रहे हैं कि वो प्रेग्नेंट थी। सुला दिया यार तूने, तेरी प्रेम कहानी में बहुत दर्द है। ऐसा है 2 टके के गुंडे, बचपन से लेके अब तक तेरा गलत पुलिस वाले से पाला पड़ा है। सीधे सीधे बोल,
बबली का मर्डर तूने अपने चेले चपाटों से करवाया या फिर पेशेवरों से? पूरी ताकत लगा दीजिए। अगर हम गुनहगार साबित हो गए ना तो वादा कीजिए हमें हमारा घोड़ा दे देंगे और हम खुद को उड़ा देंगे, और अगर कोई और गुनहगार साबित हुआ ना तो भी आप हमें हमारा घोड़ा दे देंगे और हमें साफ चौदा कर देंगे। वादा करता हूं तुझसे, बबली का जो भी गुनहगार है बचेगा नहीं। हम गर्भपात की दवाई रखते ही नहीं है तो बेचेंगे कैसे? सेवरिया में भी तीनों दुकानदारों ने यही जवाब दिया। यहाँ गुलाल खेड़ा में तुम्हारे अलावा हामिद भाई की एक दुकान है, उन्होंने भी वही बोला जो तुमने बोला। सभी के सभी मिलकर किसे छुपा रहे हो भाई? हमें धंधा करना है, आत्महत्या नहीं। और ये छुपा उपा कर पुलिस और प्रेम से पंगा काहे को मोल ले? दोनों गाँव में सबको पता है कि प्रेम ने ही बबली को भगाया था। अब चाहे बबली खुद या उसके घर वाले, या फिर प्रेम या उसके घर वाले, दोनों में से कोई भी दवाई लेने आता तो दो और दो चार होने में कितनी देर लगती? तो इसका मतलब इन दोनों गांव के बाहर के किसी दुकान से खरीदी गई होंगी। हो सकता है, पता कर ले। लड़की जो मारी गई है बबली पांडे, वो आती थी आपके यहाँ पे सामान वामान लेने के लिए दुकान में या आसपास कोई और दुकान में? वो प्रेम यादव जी के घर से कब वो कोनो दुकान पे नहीं आया है। वो कभी कदर उनका पत्नी मीना जी आती थी बस, और बबली पांडे उनका घर रहने कब है हमको तो यू नहीं पता। बबली के घर वालों का कहना है कि वो बबली को यहाँ से ले गए थे, लेकिन उसके कत्ल से ठीक दो हफ्ते पहले वो यहाँ लौट आई थी। ये बात तो पूरा सेवरिया को पता है। बात जो है ना वो पंचायत तक गया था कि बबली गुलाल खेड़ा वापस जाएगी कि यहीं रहेगी सेवरिया में। सर हम तो बार बार पंचों से कहते रहे कि हम बबली को नहीं भेज सकते, आप पूछ लीजिए सरपंच धर्मेंद्र जी। रघुनाथ जी, प्रेम ने बबली से ब्याह किया है ऐसा प्रेम ने हमें बताया है, और बबली को यहां हिफाजत से रखने के लिए कहा है, इसलिए जब तक प्रेम जेल से बाहर नहीं आ जाता बबली को आपके साथ नहीं भेज सकते। जब तक प्रेम रिहा नहीं हो जाता तब तक हम राह देखते बैठेंगे। चाचू पापा, हम यहाँ ठीक है, हम वापस नहीं आना चाहते, और प्रेम यहाँ हो या जेल में ये हम पति पत्नी के आपस का मामला है। अच्छा पति पत्नी हो, मतलब तुम पत्नी हो वो प्रेम यादव तुम्हारा पति है, तो फिर ये कौन है और हम कौन है बेटा? हम कुछ नहीं लगते तुम्हारे। शांति से हमारी बात सुन, इस वक्त हमारे साथ चलो, हम पूरे समाज के सामने तुमरा और प्रेम का रीति रिवाज से ब्याह कर देंगे, ठीक है? लेकिन इस वक्त इस बात को समझो, इस घर में तुम्हारी कोई पहचान नहीं है, कोई इज्जत नहीं है। चलो बेटा बात मानो, हमारी माँ और चाची राह देख रहे। चलो बबली कहीं नहीं जाएगी जब तक प्रेम बाहर नहीं आ जाता। अरे कैसे बाप हो आप जय कुमार जी, घर में बहू के होते हुए आपने अपने अय्याज बेटे की एक रखी हुई औरत को यहाँ पर? आप दुनिया के पहले पापा होंगे जिसने अपनी ही बेटी को किसी की रखी हुई औरत कहा होगा। पत्नी है हम प्रेम के, हमारी शादी हुई है। कौन मानेगा इसी शादी को? कोई था उस शादी में? आप थे? भाई साहब बबली खुद नहीं जाना चाहती आपके साथ, आप उसके साथ जबरदस्ती करेंगे का? हमारी बेटी को जबरदस्ती भगा के लाया है आपके गाँव में। सर रघुनाथ और सुरेश इस मामले को सेवरिया की पंचायत में ले गए और पंचायत ने यह फैसला सुनाया कि बबली उनके साथ उनके घर जाएगी। सर हमने पंचायत के फैसले का विरोध किया क्योंकि मैं डर था कि वो लोग बबली के साथ कुछ गलत कर देंगे। तब जाकर पंचायत ने रघुनाथ और सुरेश से लिखित में आश्वासन लिया कि वो लोग बबली पर कोई आंच नहीं आने देंगे। साहब लिखित में आश्वासन दे तो दिया बबली के चाचा और बाप ने, लेकिन अपनी बात से मुकर गए, उन्हीं ने बबली को मारा है। सर जय कुमार, एक तो किसी भी माँ बाप से ऐसा आश्वासन लिखित में लेना अपने आप में सवाल खड़े करने जैसा है, और दूसरी बात तुम्हें क्या लगता है लिखित में आश्वासन देने के बाद वो लोग ऐसा जुर्म करेंगे? तो क्या हम जो बबली को वापस भेजना ही नहीं चाहते थे, हम झूठ बोलेंगे कि बबली हमारे यहां वापस आई नहीं? हम क्या बबली के कत्ल का बोझ अपने सर पर लेंगे? सर वो तो मौके की नजाकत थी सर, तो ऐसा आश्वासन लिखवा करके लिया। वैसे हमने पूरे सेवरिया गांव में पता लगवाया तो किसी ने भी बबली पांडे को लौटते हुए नहीं देखा, पर यह भी सच है जब वो जयकुमार के घर में थी तब भी किसी ने नहीं देखा था उसको, क्योंकि वो घर से बाहर ही नहीं निकलती थी। आपको क्या लगता है कौन झूठ बोल रहा है, जयकुमार यादव या रघुनाथ पांडे? क्या पता साहब, बबली पांडे एक गुंडे के लिए अपने माँ बाप का घर छोड़कर आई तो इससे उसके माँ बाप की बेइज्जती तो हुई होगी साहब, लेकिन सच कहूं तो यादव परिवार को भी ये रिश्ता मंजूर नहीं था। तमाचा तो साहब दोनों ही परिवारों के मुंह पर पड़ा है, और इस सब की जड़ बबली पांडे थी। अब कौन किसके ऊपर पलटवार कर गया कुछ बोल नहीं सकते साहब।
सर आज चौथा दिन है, भवानी पोस्ट के जंगल चप्पा चप्पा छाना गया, वन विभाग के लोग भी लगे पड़े हैं, पर कटावा सर अभी तक नहीं मिला है सर। कोई और सुराग, कोई हथियार वगैरह जो शायद कत्ल में इस्तेमाल किया गया हो? जी नहीं सर। अब तक हमें ना बबली का कटा हुआ सर मिला था और ना ही इस केस से जुड़ा एक भी सुराग। बबली से जुड़ा हर कोई शक के दायरे में था, पर किसी एक के खिलाफ भी हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं था। एक सनसनीखेज प्रेम कहानी अपनी पटरी से क्यों उतरी, इस पर हम कोई मजबूत उंगली नहीं रख पाए थे। फिर हाथ लगे बबली के फोन रिकॉर्ड्स और एक अहम जानकारी, तब जाकर लगने लगा कि शायद अब हम इस हत्या की सच्चाई के करीब आने लगे हैं। सर 29 अगस्त 2016 से 13 सितंबर 2016 तक, यानी कत्ल के दो हफ्ते पहले से ठीक एक दिन पहले तक बबली की सेलफोन लोकेशन सेवरिया थी। अब ऐसा लग रहा है कि जय कुमार झूठ पर झूठ बोले जा रहा है। इतने दिन तक बबली जय कुमार के घर पर थी, ऐसा हो ही नहीं सकता कि जय कुमार और उसकी फैमिली को पता ना हो कि बबली प्रेग्नेंट है। मैडम शायद ये मीना ने अपने सास ससुर का साथ दिया हो, और अगर देखा जाए तो ये प्रेम और बबली के रिश्ते से सबसे ज्यादा दर्द तो प्रेम की पत्नी मीना को हुआ होगा ना, और उसे अपना खुद का बच्चा था नहीं अब तक। मीना के खिलाफ कोई ठोस सबूत हाथ लगाया क्या? अभी तक तो नहीं मैडम, पर सोचिए ना, फोन रिकॉर्ड तो कहते कि बबली सेवरिया में ही थी, मतलब प्रेम के बाप के घर ही होगी, और हो सकता है कि ये प्रेम का बाप जय कुमार और उसकी पत्नी ने कोई साजिश रची हो, और हो सकता है कि मीना भी उसका हिस्सा हो। मीना को क्यों उठा के ले गई पुलिस? मीना क्या की है? पता चला है पुलिस के हाथ में सबूत है कि कत्ल के दो हफ्ता पहले बबली ना सेवरिया में ही थी। साले तुम संदेश पवन और आकाश कर क्या रहे थे? तुम में से किसी को नहीं पता कि बबली के साथ ये हुआ उसके पहले वो कहां थी? ये साले सब पता है लेकिन हमको नहीं बता रहे, ऐसा तो नहीं खुद ही कोई कांड कर दियो? ऐसा मत बोलो प्रेम भाई, हम तो खुद आपका मदद किए हैं बबली को भगाने में, उसके संगे घर बसाने में। तो एक एहसान और करो साला, पता लगाओ ये कांड किसने किया है, फिर वो हमारे माँ बाप ही क्यों ना हो, कीमत तो चुकानी पड़ेगी। ये साजिश है साहब, बबली हमारे घर वापस आई नहीं थी। एक पुलिस वाला दूसरे पुलिस वाले की आंखों में कब तक धूल झोंकता रहेगा जय कुमार? एक पुलिस वाला दूसरे पुलिस वाले पर भरोसा नहीं कर रहा है साहब, पुलिस वाले सिर्फ सबूतों पर भरोसा करते हैं, और बबली के फोन रिकॉर्ड ये साफ साफ बता रहे हैं कि कत्ल के दो हफ्ते पहले से वो सेवरिया में थे। ये रघुनाथ पांडे की चाल है सर, वो लिखित आश्वासन की आड़ में आप लोगों को गुमराह कर रहा है। माना कि बबली सेवरिया में थी, तो सेवरिया में सिर्फ हमारे तो घर नहीं है सर, एक साल जब बबली सेवरिया में रह रही थी कहां थी? कहां थी? आप लोगों ने राजकुमार से बात की? राजकुमार रघुनाथ पांडे का रिश्तेदार है साहब। ये राजकुमार जो है वो हमारा दूर का रिश्तेदार है, बबली का भाई लगता है, कोई बड़े ताज्जुब की बात नहीं होगी अगर उसका भी साजिश में हाथ हो। हाँ सर, राजकुमार पहले भी हमारी पीठ में छुरा भोग चुका है। रघुनाथ पांडे एक बात समझ में नहीं आ रही है, आप एक टांग पर खड़े होकर कोशिश कर रहे थे बबली को वापस अपने घर लाने के लिए, इतना सारा ड्रामा किया पंचायत वगैरह, और आखिरकार बबली को अपने घर ले भी आए, फिर बबली को इतनी आसानी से वापस कैसे जाने दिया? आसानी से सिर्फ इज्जत जाती है साहब, जब बबली प्रेम के साथ भागी थी ना, सिर्फ एक फोन कर दिया था हमको कि हम जा रहे हैं प्रेम के साथ। आप नहीं समझेंगे साहब, एक ऐसे बाप की मजबूरी जिसकी बबली जैसी जिद्दी बेटी हो, फिर से जिद पकड़ बैठी, जाना है सेवरिया, फिर से हमें हार माननी पड़ी। बबली के फोन रिकॉर्ड्स कहते हैं कि बबली के सेवरिया वापस लौटने के बाद भी आपकी और बबली की बातें होती रही। बाप है ना हम साहब, बबली चाहे जैसा भी व्यवहार करे, हमें तो दिन रात चिंता लगी रहती थी उसकी। ये कैसे मुमकिन है रघुनाथ पांडे कि बबली ने एक बार भी आप लोगों को ये नहीं बताया कि वो पेट से? काश पता थी साहब, तो हम उसे बड़े प्यार से रखते, अपने मैके में आराम से रहती, सब कुछ भुलाकर उसे लाड़ प्यार से रखते हम, लेकिन हमारी बेटी अपनी जिद में इतनी बड़ी गलती कर बैठी साहब। हमारा बेकारे में टिकट काटा जा रहा है साहब। तेरी हरकतें कुछ ऐसी है राजकुमार, दोनों तरफ से बजने वाले ढोल के जैसा। तू शुरू से ही अपने इस प्रेम भाई के इशारों पर नाचता है, अब मौत के तांडव में किसके इशारे पर नाचा है? ऐसा कुछ नहीं साहब, हम सिर्फ प्रेम भाई का मदद की थे बबली के संगे घर बसाने में बस। या फिर बबली के घर वालों की मदद की बबली को मारने के लिए, या प्रेम के परिवार वालों की मदद की, या अपने प्रेम भाई के कहने पर तूने बबली को मार डाला? राजकुमार कहीं ऐसा तो नहीं कि तेरा बबली के ऊपर दिल भी ला गया था और तूने ही को कांड कर दिया? दूर की सही, लेकिन बबली हमारी बहन लगती थी, अब
कुछ तो रिश्तों का लिहाज रखो साहब। रिश्ते मीना पत्नी लगती है प्रेम की, और जय कुमार बाप लगता है प्रेम का, और वो मुकेश तेरा सगा भाई लगता है। कौन से रिश्ते की किसने कदर की है बे? अरे हम लिख के दे सकते हैं, ये गुंडा प्रेम यादव यही बबली का सर कटवाया है, और वो हमारा मूर्ख भाई राजकुमार प्रेम यादव का पिट्ठू पूरे खानदान का नाक कटवा दिया। लेकिन मुकेश भाई 29 अगस्त को बबली सेवरिया लौटी थी कि नहीं, और अगर लौटी थी तो कहाँ रुकी थी? जिसे पूछना चाहिए उससे पूछा। किन से? वही जिसका हक बबली ने मारा है, प्रेम यादव की कानूनी पत्नी मीना। चुपती थी बबली तुम्हें, है ना? हमने बबली से एक बार भी बात नहीं की, एक शब्द नहीं। तुम्हारे सास ससुर ने बबली को धोखे से कोई दवाई खिलाई थी जिसकी वजह से उसका गर्भपात हुआ? किया भी हो तो हमें नहीं बताया, हमें तो पता ही नहीं था। 29 अगस्त से 13 सितंबर तक बबली सेवरिया में तुम्हारे घर पर थी, ये तो पता होगा? हमको नहीं मालूम। क्या नहीं मालूम? कि बबली घर पर थी या नहीं, उसका कत्ल जंगल में हुआ या फिर घर पर ही, उसके सर को कहां ठिकाने लगाया गया? हम आपको बता चुके हैं, अपनी सामने होती तब भी वो हमारे लिए नाके बराबर ही थी, और हम उसके लिए, हम दरअसल सभी के लिए नाके बराबर ही थे और है। क्या तुम इस कत्ल में शामिल हो? क्या तुम इस कत्ल का हिस्सा हो? पब्लिक कत्ल का हिस्सा थी। किसके कत्ल में? अपने बच्चे के? हमारे, हमारे पति के साथ मिलकर हिस्सा लिया। सुनो, खाना बना दो और डब्बे में भर दो, दो लोगों का खाना। हम लोग कहीं बाहर जा रहे हैं? हम लोग नहीं, सिर्फ हम जा रहे हैं। हाँ, और कुछ मीठा भी बना देना। दूसरे दिन हमें पता चला प्रेम ने वो खाना अपने और बबली के लिए बनवाया था हमसे। उस दिन से प्रेम लगभग पूरा वक्त बबली के साथ ही गुजारते थे, तकरीबन पूरा साल। तुमने कभी इस बात का विरोध नहीं किया? पूछा नहीं कि ऐसा क्यों हो रहा है? हिम्मत ही नहीं थी, ना हम में और ना प्रेम के माँ बाप में। और जब प्रेम के माँ बाप खुद प्रेम से कतरा रहे थे तो हम क्या चीज है? तुम्हारा आक्रोश हम समझ सकते हैं, प्रेम के माँ बाप की बेबसी भी हम समझ सकते हैं। तो क्या आक्रोश और बेबसी का मिलन हुआ और तुम तीनों ने रास्ते के कांटे बबली को हटा दिया? नहीं साहब, अपने पापा के घर गुलालखेड़ा लौटने के बाद बबली हमारे घर सेवरिया लौटी ही नहीं। बबली पेट से थी ये बात तुम जानती थी या तुम्हारे सास ससुर जानते थे? हम में से किसी को नहीं पता थी ये बात, और अगर मुझे पता भी होता तो भी क्या फर्क पड़ता? बबली नहीं रही, इससे फर्क तो पड़ा होगा तुम्हें, सुकून मिला होगा। सुकून तो तब मिलता है ना साहब जब जिंदगी बदलती है। हमारी जिंदगी में क्या बदलाव हुआ? अब प्रेम लौट आएगा तुम्हारे पास। उन्होंने खुद कहा आपसे, लिखित आश्वासन दे सकती है आप? चोट खाई हुई है मैंने, घायल है अंदर से। क्या झूठ बोलेगी? सर बबली के घाव से पहले मीना घायल थी। मीना और उसके पति प्रेम के बीच में पति पत्नी जैसे संबंध नहीं थे ऐसा सुना है, तो वो किसी को बचाने के लिए झूठ बोलेगी ऐसा लगता तो नहीं है। अगर मीना झूठ नहीं बोल रही है तो मतलब प्रेम यादव के माँ बाप जो कह रहे हैं क्या वो सही है कि बबली अपने पिता के घर गुलालखेड़ा से कभी सेवरिया वापस आई नहीं? सर गुलालखेड़ा में बबली के कॉलेज के फ्रेंड्स, उसकी माँ चाची, सबसे हर तरह से घुमा घुमा कर पूछा। सबका कहना एक ही है कि बबली कत्ल के 2 हफ्ते पहले से ही अपने माँ के घर में नहीं थी। ये तो बड़ी अजीब बात है, न वो मायके में थी न ससुराल में, पर उसके फोन रिकॉर्ड्स की लोकेशन तो सेवरिया में ही है। सेवरिया में शायद कोई अफेयर हुआ हो, वैसे भी प्रेम के अनुसार बबली प्रेम के पीछे पड़ी हुई थी कि प्रेम अपने सारे गलत धंधे छोड़ दे, लेकिन प्रेम ने छोड़े नहीं पूरी तरह से, तो शायद बबली ने कोई अफेयर कर लिया हो और उसे लगा हो कि अब बच्चा नहीं चाहिए इसलिए खुद उसने बच्चा गिरा दिया हो। सर मैंने एक और एंगल टटोला, मुकेश चतुर्वेदी वाला, जिसकी जमीन ये प्रेम यादव छीनने चला था, शायद उसने कोई बदला लिया, लेकिन उसमें भी एक गर्भ गिराने वाला एंगल कुछ फिट नहीं बैठ रहा। सर ये अबॉर्शन वाला एंगल तो बबली और प्रेम के परिवार से ही फिट बैठता है। बबली के माँ बाप ने बच्चा इसलिए गिरा दिया हो क्योंकि वो अपनी सो कॉल्ड इज्जत बचाना चाहते थे, या फिर प्रेम के माँ बाप ने प्रेम के कहने पर क्योंकि शायद प्रेम को लगा हो कि ये बच्चा उसका नहीं है, या फिर ये हो सकता है कि बबली ने जेल में जाकर प्रेम से ये कह दिया हो कि वो एक मुजरिम के बच्चे को इस दुनिया में नहीं लाना चाहती,
और गुस्से में आके प्रेम ने बबली का कत्ल करवा दिया। पर ऐसे कैसे हो सकता है? पूरे गुलालखेड़ा में, सेवरिया में या चौरागंज में एक भी ऐसा डॉक्टर नहीं है जिससे बबली ने प्रेगनेंसी के दौरान कंसल्ट किया हो, या जिसने बबली को या बबली से जुड़े किसी को भी गर्भपात की गोली की पर्ची लिख के दी हो, या फिर कम से कम गोली का नाम बताया। इस केस में कील ठोकने वाला सबूत भी अपने साथ एक अजीब किस्म के किरदार को लेकर आया, जिसने इस केस को और उलझन में धकेला। काफी जद्दोजहद के बाद यह खबर हासिरपुर शहर से है। देखो कमल जी, मैं प्यार से पूछ रहा हूँ, वरना पुलिस के पास प्यार व्यार के लिए टाइम नहीं है। वो सीधा आपका दवाई का स्टॉक लिस्ट मांगेगी, और आपने बिना रसीद के कितनी दवाइयाँ बेची हैं गर्भपात की सब उगलवाएगी, अलग में उंगली डालकर सब निकलवाएगी पुलिस, समझ रहे हैं? जो था बता तो दिया। आई थी एक औरत हमारे पास 1 सितंबर को, नहीं साहब ये नहीं थी। नहीं साहब इनमें से कोई नहीं थी, वो आपके खबीर ने ये सारी फोटो मुझे दिखाई थी पहले। उस औरत ने अपना नाम बताया था तुम्हें? उस डॉक्टर की पर्ची दिखाई और दवा लेके चली गई। वो पर्ची रखी है संभाल के? कौन से डॉक्टर ने लिखी थी? डॉक्टर की पर्ची तो नहीं थी, कागज पे लिखा हुआ था। और तूने उसे दवाई दे दी अबॉर्शन की? गलती हो गई साहब, आइंदा कभी नहीं होगी कसम से। हमें उस औरत का हुलिया बताना होगा, इतना तो कर लेगा ना? मेडिकल स्टोर का मालिक कमल हमारी कोई मदद नहीं कर पाया। कमल का बताया हुआ हुलिया उसके खुद के मुताबिक उस औरत से बिल्कुल मेल नहीं खा रहा था जो गर्भपात की दवाई खरीदने आई थी। पर इतना अंदाजा तो लग ही गया था कि वो औरत जरूर बबली की कोई करीबी थी जो शायद इसमें इन्वॉल्व थी। हमने हर संदिग्ध पर बारीकी से नजर रखी, उसके हर छोटे से छोटे रिश्ते को भी खंगाला। ये 10 स्केचेस हैं, इनमें से कोई एक भी एक्यूरेट हो ऐसा लग नहीं रहा है। अबॉर्शन की दवाइयां लेने के लिए दूसरी औरत गई थी, बबली खुद नहीं गई थी। यानी पूरे चांसेस हैं कि बबली की मर्जी के बगैर उसका बच्चा गिराने की साजिश रची गई होगी। शायद कोई इर्द गिर्द की होगी जो सामने नहीं आई हो अब तक। बिल्कुल सही, दोनों परिवार, खुद प्रेम, ये राजकुमार, राजकुमार का भाई मुकेश, किसने किसका साथ दिया ये कुछ भी क्लियर नहीं है। इनकी फैमिली में जितनी भी औरतें हैं जिनसे हम नहीं मिले अभी तक, जिसे हासिरपुर भेजकर उसके जरिए अबॉर्शन की दवाई मंगवाई गई, ढूंढ निकालो। ठीक से देख कमल, वही है? हाँ ये वही है। मैडम केस की पूछ हाथ लग गई है, औरत का नाम प्रिया चौहान है, ये जगन चौहान की जोरू है। और ये जगन चौहान कौन है? ये जगन चौहान रघुनाथ पांडे और सुरेश पांडे के किराने की दुकान में काम करता है। वो जगन ही था जिसने बबली और प्रेम की लव स्टोरी का भांडा फोड़ा था, और बबली की लाश की जानकारी सुरेश और रघु तक पहुँचाने का उस सारे नाटक का सूत्रधार भी यही जगन था। जगन की बीबी प्रिया को दवाई लेने भेजा गया, अब 2 और 2 का गणित है मैडम। पानी में मिला के दवाई पिलाई थी बबली को? नहीं साहब, हमें कुछ नहीं मालूम, हम बस दवा लेने गए थे दुकान पर। हासिरपुर से ये दवाई लेने गई थी अकेले? हमारे पति जगन हमें वहां ले गए थे, वो बोले कि ये दवाई ले आ, और हम ले आए, इसके आगे हमें कुछ नहीं मालूम। जगन ने तुम्हें बताया नहीं ये दवा क्या है, किसके लिए है? जी नहीं। तू एकदम सच बतिया रही है, और हम भी एकदम सच सच कह रहे हैं साहब, हमको भी नहीं मालूम था कि वो दवाई काहे के लिए मंगवाया गया है। बबली को मानने में हमारा कोनो हाथ नहीं है साहब। साहब साहब हम तो बस अपने मालिक की वफादारी निभा रहे थे साहब, और कुछ नहीं साहब। बबली की सरकटी लाश को तुरंत पहचानना ये भी तेरी मालिकों की साजिश का हिस्सा था, और दवाई लेने भी उन्होंने भेजा।
सुनो जगन, ये जो दवाई लिखी है पर्ची में, इसे लाना है। जी भैया। और सुनो, यहाँ के किसी मेडिकल से मत लेना। तुम कल हासिरपुर चले जाना, वहाँ के मेडिकल स्टोर से लेना, और तुम कल छुट्टी ले लो। जी भैया। और एक बात जगन, तुम खुद दुकान पर मत जाना। खुद नहीं जाएंगे तो कैसे लाएंगे? अरे अपनी जोरू को आगे कर देना, तुम वहाँ के दुकान के इर्द गिर्द भी नजर नहीं आना। साहब हमको तो सुरेश भाई और रघुनाथ भाई जैसा बोले हम वैसा ही किए साहब। वो तो जब बबली का बच्चा गिरा तब हमको समझ में आया कि दवाई काहे के लिए था। बबली वापस से वरिया गई नहीं थी? नहीं साहब। जगन ने सब कुछ उगल दिया है। आप दोनों के पतियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, खूब पिटाई होगी दोनों की। बबली सिवरिया गई ही नहीं थी, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि बबली का अबॉर्शन कराया गया हो और आप दोनों को पता ना हो। क्या आप दोनों भी शामिल थी बबली का बच्चा गिराने में, उसका कत्ल करने में? हाँ शांति जी, बबली आपकी कोख से पैदा हुई बेटी थी। बेटी थी तो घर की इज्जत भी थी, भावरी हो गई थी हमारी बबली, सुन नहीं रही थी। इसलिए आप हमें यहां वापस लाए हैं। आपको क्या लगता है, आप दोबारा से हमारी शादी करा देंगे जबरदस्ती? ऐसा कभी नहीं होगा पापा। बबली ये को गलती हो गई तुमसे और हम माफ कर दिए, अब अपना जिंदगी बर्बाद मत करो बेटा। बबली बेटा अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, हम लोग ना तुम्हारे लिए एक अच्छा परिवार ढूंढेंगे और एक अच्छे घर की लड़की की तरह तुम्हारी शादी बहुत अच्छे से करा देंगे। लेकिन ये प्रेम गुंडा को ना तुम भूल जाओ। और वैसे भी हो तो जेल में सड़ रहा है ना, पता नहीं कब तक सड़ेगा। बहुत जल्दी छूटने वाले हैं प्रेम जमानत पर। जमानत पे छूटने के बाद किसी ना किसी का मर्डर करेगा, और इस बार वो जेल जाएगा ना तो सजा तुमको भुगतना पड़ेगा। हम प्रेम से प्यार करते हैं, शादी हो चुकी है हमारी, हम दोबारा शादी नहीं करेंगे। और आप सबको बता दे, हमारे पेट में प्रेम का बच्चा पल रहा है, हमारा बच्चा। तुम दोनों को ना यहाँ कोई धोखे से गोली दी जाएगी और ना ही सर काटा जाएगा, लेकिन यकीन करो तट दबला होगा जब तबीयत से कुटाई होगी। काश ये कुटाई आप उस प्रेम यादव की तब करते जब वो हमारी बेटी को बहका रहा था, तो ना हमारी बबली फंसती और ना ही हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ती। हम लोग क्या करते साहब जब हमारे घर की बच्ची बड़ी बेशर्मी से एक गुंडे के साथ भाग जाती है, एक साल के बाद आप अपने पेट में लेकर आती है और आंख में आंख मिलाकर बात करती है। साहब हमने जो कुछ भी किया सही किया। बड़े पापा ये गोली आती है, हमने इंटरनेट पर ढूंढा है, थोड़ी तकलीफ होगी लेकिन काम कर जाएगी। गांव के मेडिकल में शहर से ना मिले, शहर से मंगवानी पड़ेगी। अच्छा सुनो देवेन बेटा, एक और जरूरी काम करना है। क्या पापा? तुम अपनी बबली दीदी के पास जाओगे और बातचीत करते हुए बबली दीदी का ध्यान बटा लेना और उसका मोबाइल ले लेना, और वो मोबाइल हमको ला कर दो, समझ रहे हो ना? जी पापा। अच्छा तो फोन को सेवरिया भेजा गया और वहां से बबली के फोन से कॉल्स भी किए गए, और बबली गुलालखेड़ा में थी आप ही के घर पे। बबली को दोबारा उस गांव में भेजने का तो सवाल ही पैदा नहीं उठता था साहब। वो प्रेम यादव और उसके परिवार का मनहूस साया बबली पर दोबारा ना पड़े, यही प्लानिंग थी हमारी। और कोई रास्ता नहीं है शांति, इतनी बड़ी गलती का इलाज ये छोटी सी गोली है, इसे खाने में मिला कर दे दो सारी गलती मिट जाएगी और हम सबकी रही सही इज्जत भी बच जाएगी। मीठी मीठी बातें, सब नाटक था ना, मार डाला हमारे बच्चे को, मार डाला। बेटा हमारी बात सुनो, छोड़ो, हाथ मत लगाना। अरे लेकिन वो मंदिर में हुई शादी कोई शादी नहीं थी। अरे थी, हम मानते हैं ना उस शादी को,
लेकिन दुनिया नहीं मानती। तू भाड़ में जाए दुनिया। बबली बेटा, तुमको इसी दुनिया में रहना है बेटा, और हम सबको इस दुनिया को मुंह दिखाना पड़ता है, लेकिन उस बच्चे की वजह से सबका मुंह काला हो जाता, और फिर वो बच्चा क्या कहलाता, एक गुंडे का कहलाता। तो आप सब क्या हो चाचा, क्या हो आप सब? दुनिया के सबसे बड़े गुंडे तो आप हो, हत्यारे हो, हत्यारे, हमारे बच्चे को मार डाला। बबली, मेरी बात सुनो बेटी। मत कहो मैं बेटी। अब जैसा धोखेबाज और छोटा आदमी हमने आज तक दुनिया में नहीं देखा है। प्रेम हमारे साथ ऐसा कभी नहीं करते। दुनिया में आज जैसा बाप और ऐसा घटिया परिवार किसी लड़की को ना मिले। आप लोग ये मत सोचना कि हम चुप रहेंगे। आप हमें प्रेम से अलग कर ही नहीं सकते। हम उसे सब बता देंगे, सब बता देंगे हम प्रेम को। बबली बेटा, बबली हद से ज्यादा हाथ से निकल गई है भैया। बबली को वापस लाने का तो कोई मतलब ही नहीं रहा। कभी भी हमारी मजबूरी नहीं समझेगी ये लड़की। अब करे तो क्या करे सुरेश, ये बबली की जो जिद है ना, वो हम सबकी इज्जत ही खत्म कर देगी। सीने पे पत्थर रखकर हमारी एक बात सुनिए भैया, बबली को ना खत्म कर देते हैं। पूरे परिवार को मालूम था कि 14 सितंबर को बबली का कत्ल कर दिया तुम लोगों ने? नहीं, हमने सबके सोने का इंतजार किया, लेकिन जब बबली घर पे दिखी नहीं तो किसी ने कुछ पूछा नहीं? नहीं पूछा। क्यों? क्योंकि आप लोगों को पहले से ही पता था कि बबली को मार दिया गया है। बबली तो हमारे लिए उदी नहीं मर गई थी। जिस दिन वो इस घर की इज्जत की परवाह किए बिना उस गुंडे प्रेम के साथ भाग गई थी। तो फिर यहाँ वापस लाकर दोबारा उसे मार देने की क्या जरूरत आन पड़ी थी शांति जी? हम बबली को वापस सिर्फ इसलिए लाए थे ताकि उससे हुई गलती को सुधारा जा सके। वैसे गलती हमारी भी है साहब, हमने पूरी जिंदगी बबली की हर जिद पूरी की, लेकिन उस प्रेम यादव के लिए जो उसकी जिद थी ना, वो उसका पागलपन बन गई थी और उससे बाहर ही नहीं आना चाहती थी। अब पागलपन से बाहर आ गई। हम कौनो कीमत पर किसी सूरत में बबली को उस प्रेम यादव के साथ हमारा मुंह काला करते हुए और नहीं देख सकते थे। अब तुम्हारा मुंह दूध का धुला है, सब सही कर लिया, उछली विधि समेट ली। बताया तुम दोनों को, अब तुम दोनों क्या हो? हमने जंगल के पास की नदी का कतरा कतरा छान मारा, पर बबली का कटा हुआ सर कहीं नहीं मिला। पर जिससे बबली का सर काटा गया था वो हथियार बरामद हुआ, और सभी घटनाओं की श्रृंखलाओं को जोड़कर हम ये सिद्ध कर पाए कि हमारे संदिग्ध ही आरोपी हैं। सबने अपनी अपनी मर्जी की ही की,
लेकिन जो हुआ वो किसी की मर्जी नहीं, सिर्फ खुद गर्जी थी। चार्जशीट फाइल होने के बाद रघुनाथ पांडे और सुरेश पांडे की जमानत हो गई, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। बबली के पिता रघुनाथ पांडे पर अपनी बेटी बबली की हत्या का मुकदमा चलेगा। प्रेम यादव पर रघुनाथ के भाई सुरेश की हत्या और रघुनाथ की हत्या की कोशिश का मुकदमा चलेगा। घर की बेटी अगर किसी आपराधिक प्रवृत्ति के लड़के के साथ रिश्ता जोड़े तो कोई भी परिवार बौखला जाएगा, गुस्सा होगा, घर में तनाव होगा, दुनिया उथल पुथल होगी। लेकिन अगर उससे निपटने के लिए जुर्म का सहारा लिया जाए तो वो हर सूरत में गलत है, बर्बादी को न्योता है। कोई भी सुधार बदले की भावना से नहीं लाया जा सकता। प्रेम कहानियों में अक्सर प्रेमियों के परिवारों में उधम मच जाता है, पर बतौर उपाय किसी की जिंदगी में उधम मचाना कभी सही हल नहीं हो सकता। इन जज्बातों के तूफान में कई ऐसे मोड़ आते हैं जब जरूरत होती है कि इंसान एक कदम पीछे जाए और ठंडे दिमाग से सोचे कि सही कदम क्या होना चाहिए। जैसे कि पुलिस कंप्लेन दर्ज करना सही कदम है, जैसे कि सामने वाले को अपनी गलतियों से सीखने का मौका देना भी सही कदम साबित हो सकता है। पर अगर सभी अपनी मर्जी के मालिक बनकर अपनी ही मनमानी और अपनी ही जिद को सबसे आगे रखें तो जाहिर है अंत अनचाहा हो सकता है, भयंकर हो सकता है। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे नए केस के साथ क्राइम पेट्रोल सतर्क में। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल। Click the show links and enjoy watching the videos.